घर में फंक्शन है, उस 9 साल में फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है, किसी कजन ब्रदर या सिस्टर की मैरिज हो रही है, कोई कहीं जाना है, मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर जाना हुआ तो समझ लो 2-3 दिन के लिए कंप्यूटर सेंटर बंद, तो सारे स्टूडेंट कहीं और भाग जाते थे, दूसरे सेंटर पे चले जाते थे। तो दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि ऐसी लाइफ कभी हो सकती है कि पैसा भी आए, इनकम भी बहुत अच्छी आए, लेकिन हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। और आपने प्रोमो में ये जो प्रोमो दिखाने का जो एक पर्पस था वो यही था कि जब हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, तो इसमें आपने कुछ कुछ झलकियां देखी होंगी कि हम लोग डोमेस्टिक ट्रिप कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, तो लगभग आज कि अगर मैं इस पूरे जर्नी को मैं बात करूं, IMC में लगभग 2010 के एंड में मैं जुड़ा, 11 से जर्नी स्टार्ट हुई, तो लगभग 12-13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इस 13 साल के इतिहास में इस सिस्टम से, इस इंडस्ट्री से वो पा लिया है जिसमें लगता है कि लाइफ काट नहीं रहे, लाइफ जी रहे। शुरुआत की थी उस समय पर सारे लोग खिलाफ थे, परिवार के लोग सबसे ज्यादा, आपको दुनिया में अगर कोई आगे बढ़ने से रोकता है वो आपके अपने लोग होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता। क्योंकि 9 साल कंप्यूटर सेंटर चलाने से 20-25 हजार रुपए तक मैं पहुंचा था, और फैमिली को लग रहा था कि लाइफ अच्छी है क्योंकि उससे घर चल रहा था, और एक सिटी यानी कि पंजाब में हम रह रहे थे, लेकिन मेरे लिए, उनके लिए वो लाइफ अच्छी होगी, लेकिन मुझे ये लगता था कि जैसे बैल को खूंटे से बांध करके और वहां पर बैठा दिया जाता है कि कहीं घूमना भी है तो खूंटे के आसपास। अभी मैं नर्मदापुरम में गया था, yes. तो झिक-झिक से बचने के लिए मैं हमेशा फर्स्ट एसी कैबिन बुक करता हूँ अपना। अब फर्स्ट एसी कैबिन में क्या होता है कि अच्छी रॉयल फैमिली बैठी होती है, और इस बार ही ऐसा हुआ कि वो रॉयल फैमिली रात को 12 बजे घुसी, एक परिवार, और 12 बजे एंट्री हुई तो उनके साथ एक कुत्ता था फर्स्ट एसी कैबिन में। अब उसको उन्होंने क्या कर दिया, वो जो छोटी सी बेल होती है उसे बांध दिया एक कॉर्नर में। अब कैबिन है उसमें वो है और इधर मैं बैठा हूं और एक ऊपर बैठा होगा। अब नीचे पैर रखने से डर लगे क्योंकि वो भौं-भौं करे। अच्छा, उसकी इतनी कैपेसिटी थी नहीं कि वो बेल से जहां तक बांधा हुआ था उससे आगे जा सके। अब मुझे लगा वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा तो चप्पल जूते पहनने पड़ेंगे तो परेशान करेगा। अब जैसे ही उसकी नजर उधर हुई मैंने अपने जूते उठाए और उसकी बेल के जो डिस्टेंस था उसे दूर रख दिए और अपना सामान भी। अब सुबह, चलो रात को तो निकल गई, सुबह उठ करके फिर वही खेल। अब वो समझ गए कि ये व्यक्ति परेशान हो रहा है इससे, फिर बाद में उन्होंने कैबिन चेंज कर लिया। तो उससे मैं एक चीज समझ रहा था कि एक कुत्ते को भी जब बेल से बांध दिया जाता है तो उसका भी दायरा राज करने का उतना ही होता है जितने दायरे में वो घूम सकता है। तो हम भी कहां ना कहां अपने दायरे में एक बेल से बंधे हुए होते हैं और उस दायरे के हम मालिक होते हैं, उससे आगे हम जा ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। एक बार एक मेंढक कुएं में रहता था बचपन से ही, कोई मेंढकी ने मेंढक को बच्चे को जन्म दिया होगा तो उसने तो वो कुआं ही देखा था, और एक बाहर का मेंढक गलती से कूद गया उस कुएं में और दोनों एक दूसरे को देखने लगे, तो जो दूसरा बाहर से कूदा था कुएं में वो उसको सूखा था कुआं, पानी नहीं था उसमें, तो दूसरा मेंढक पहले वाले से बोलता कि इतनी जगह में आप एडजस्ट कैसे कर लेते हो, कैसे रह पाते हो, मैं तो गलती से गिर गया इस कुएं में। अब वो उसको ऊपर से नीचे देखे कि भाई ये कह रहा है कि इतनी सी जगह, कहते आप कौन सी जगह से आए हो भाई, कहते मैं तो इतनी बड़ी जगह से आया हूं जिस जहां जितना मर्जी आप घूम लो फिर लो, क्योंकि धरती की कोई लिमिट तो है नहीं। अब उसने वो देखी नहीं थी जगह, फिर उसने क्या किया, जो पहला मेंढक था उसने जंप मार के दिखाया कि क्या आप इतनी जगह में रहते हो। अब उसको हंसी आया कि इसको कैसे समझाऊं भाई कि इतनी सी जगह, धरती इतनी बड़ी थोड़ी है। वो कहा तेरे बस की बात नहीं है, तू ऐस कर रहा है, अब मैं जैसे भी निकलने का प्रयास कर रहा हूं, कैसे भी भगवान मुझे यहां से निकाल ले। फिर उसका गुस्सा बढ़ गया, ये तो मेरी इंसल्ट कर रहा है। अब उस मेंढक ने पूरा जोर लगाया और डबल छलांग लगाई, अच्छा आपकी धरती इतनी बड़ी है क्या, कहते नहीं रहने दे तेरे बस की बात नहीं है। अब जब इंसान को कोई चढ़ाता है तो उसका गुस्सा पारे पे चला जाता है, तो उसने क्या किया, कुएं की एक दीवार से पीठ लगाई
और इतना लंबा जंप मारा कि कुएं की दूसरी दीवार से टकराया और कहा कि अब तो धरती भी खत्म हो गई, इससे बड़ी जगह तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए धरती का एक से दूसरा कॉर्नर कुएं की दीवार ही थी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही एक इंसान की एक सीमा होती है। बहुत सारे लोग हमारे में होते हैं जो कभी अपनी जिंदगी में गांव से बाहर नहीं निकले होते, या गांव डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकले होते, या सिटी से बाहर नहीं निकले होते। तो ऐसी जिंदगी मैंने भी जी ली। मेरा पूरा जीवन जो है 15 साल पंजाब में कोटकपूरा सिटी के, और एक ही कमरे में हम फैमिली के 5 लोग रहते थे और वो कमरा ही हमारी जिंदगी थी। उस एक ही रूम में मैं कंप्यूटर रख के सिखाता था दिन में, और स्टूडेंट चले जाते थे तो वहीं चारपाई डाल के हम सोते थे। मतलब एक रूम ही मेरी जगह थी और एक सिटी मेरे लिए सबसे बड़ा भारत था, पूरा कोच का पूरा, कभी बाहर निकले ही नहीं थे। और अब अगर हम बात करें इन 12-13 सालों में, भारत के अंदर कोई सिटी कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां पर हम नहीं गए हो। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नागालैंड तक हर स्टेट में हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं, हमारी टीम है, जहां मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता है, और हर जगह का हर स्टेट का हमें कल्चर देखने को मिलता है। और दिल से निकलता है कि भारत कितना महान है, जहां पर लोग प्राउड करते हैं कि भाई हमारा बेटा कनाडा रहता है, अमेरिका रहता है, फलाने कंट्री में रहता है। हम बोलते हैं, हम भारत, इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इंडिया इज ए ग्रुप ऑफ 29 कंट्रीज। क्योंकि भारत का एक राज्य एक कंट्री के बराबर है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, सारा सिस्टम ही बदल जाता है। पंजाब बिल्कुल अलग है, हरियाणा बिल्कुल अलग है, आसाम में जाएंगे बिल्कुल अलग है, कर्नाटका में आप जाएंगे, हम लोगों का एक बड़ा इवेंट था कर्नाटका में, और साउथ के लोग